हंस, कैसे हो? स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वेगीवागा कॉन्सेप्ट में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंग्लिश का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि फेवरेट रहा है आज तक। सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करो, सेंट्रल कमीशन की बात करो, या फिर किसी भी स्टेट कमीशन की बात करो, तो हर एक कॉम्पिटिशन एग्जाम में इम्पॉर्टेंट रहा है प्रेपोजिशन। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रेपोजिशन पर। देखिएगा, प्रेपोजिशन, अब इसके नाम से ही आपको क्लियर होगा, प्रीपोजिशन। देखिएगा, प्री प्लस पोजिशन, यानी कि क्या है, किसी वस्तु की जिससे क्या है पोजिशन बताई जाए, पोजिशन। ओके फ्रेंड, जिन वर्ड से क्या है किसी वस्तु की क्या पोजीशन बताई जाए उसको क्या बोलते हैं, प्रेपोजिशन। या फिर प्रेपोजिशन को हम ये भी कह सकते हैं कि किसी भी वस्तु यानी कि संज्ञा, संज्ञा या सर्वनाम, नाउन या फंडनाउन के जो दूसरे वर्ड के साथ क्या रिलेशनशिप बताए, संबंध बताए, उसको भी क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, प्रेपोजिशन। ओके, आज हम डिस्कस कर रहे हैं प्रेपोजिशन पर। तो देखिएगा, प्रपोजिशन फॉर एग्जाम्पल ये क्या है, घर है। ओके, इसमें अगर कोई वस्तु अंदर होगी तो क्या कहा जाएगा, इन। अंदर के लिए क्या कहा जाएगा, इन। ओके फ्रेंड्स, इन अंदर के लिए। अगर कोई वस्तु बाहर से अंदर आ रही है तो कहेंगे इनटू। ओके, यानी कि कोई अगर वस्तु गति में है तो उसको कहेंगे इनटू, अगर कोई वैसे ही अंदर है सरफेस के तो कहेंगे इन। ओके, उसके बाद अगर कोई वस्तु एक साइड से आए और दूसरे साइड से बाहर निकल जाए तो उसके कहेंगे थ्रू। ओके फ्रेंड्स, और कोई वस्तु क्या है, किसी भी घर की बात कर रहे हैं, घर के ऊपर होगी तो कहेंगे ऑन। ओके, और अगर घर के सामने होगी तो कहेंगे इन फ्रंट ऑफ, सामने, इन फ्रंट ऑफ। ओके, अगर कोई वस्तु क्या है किसी घर के या किसी भी वस्तु के पीछे है तो उसको कहेंगे बिहाइंड। ओके फ्रेंड्स, और अगर टच करिए तो कहेंगे ऑन, अगर टच नहीं करिए, थोड़ा सा ऊपर है तो कहेंगे अबाउट। ओके, बहुत ही सिंपल है फ्रेंड्स, इसको ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इजी है, ध्यान से कीजिएगा। और नीचे होगी तो कहेंगे अंडर। ओके, और थोड़ा नीचे होगी या सीमा की बात की जाए तो हो गया बिलो। फ्रेंड्स देखिएगा, कोई घर है, अज्यूम करते हैं हम, अगर घर के अंदर कोई वस्तु है तो कहेंगे इन, अगर बाहर से कोई वस्तु अंदर आ रही है तो कहेंगे इनटू, अगर कोई वस्तु घर के नीचे है तो कहेंगे अंडर, ऊपर है तो ऑन, थोड़ा सा ऊपर है टच नहीं करिए तो अबव, पीछे है तो बिहाइंड, अगर सामने है तो इन फ्रंट ऑफ। फ्रेंड्स एक बात याद रखिएगा, इन फ्रंट ऑफ, जब सामने अगर किसी वस्तु की बात की जाए तो हम कहेंगे इन फ्रंट ऑफ, अगर किसी व्यक्ति के सामने की बात कही जाए, किसी भी व्यक्ति के सामने, ये कोई व्यक्ति अगर इसके सामने की कोई बात कही जाए तो इसके लिए क्या यूज होगा, तो इसके लिए फ्रेंड्स बिफोर का प्रयोग करेंगे हम लोग। अगर वस्तु है तो इन फ्रंट ऑफ, अगर कोई व्यक्ति है तो क्या यूज करेंगे, बिफोर। ओके, आई होप ये आपको क्लियर हो चुका होगा। फिर से एक बार देख लीजिए, अंदर है तो कोई चीज इन, अगर कोई चीज बाहर से अंदर आ रही है इनटू, पीछे है तो बिहाइंड, सामने है तो इन फ्रंट ऑफ, ऊपर है तो ऑन, नीचे है तो अंडर, फिर कोई चीज एक तरफ से आकर दूसरी तरफ से बाहर निकल गए तो कहेंगे थ्रू, और पीछे है तो बिहाइंड, अगर टच नहीं कर रही है सिर्फ ऊपर है तो क्या कहेंगे, अबव। ओके फ्रेंड्स, अब देखिएगा नेक्स्ट जो है इसके पॉइंट्स, नेक्स्ट देखिएगा आपका है ड्यूरिंग। ड्यूरिंग वर्ड है, ड्यूरिंग प्रपोजिशन है, ड्यूरिंग का मतलब क्या होता है, ड्यूरिंग क्या होता है, के दौरान, के दौरान, यानी कि मैच के दौरान क्या होगी, बारिश होगी तो क्या होगा, ड्यूरिंग द मैच। और जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ कि क्या है, युद्ध के दौरान बहुत खून बहा था उस वक्त, तो क्या कहेंगे, ड्यूरिंग द वॉर, तो ड्यूरिंग का मतलब होता है के दौरान। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट आपका वर्ड आता है,
अगेंस्ट का मतलब होता है के विरुद्ध, के विरुद्ध, किसी के विरुद्ध क्या है, कुछ बात करना। ओके, अगेंस्ट क्या हुआ, के विरुद्ध। नेक्स्ट आपका वर्ड आता है अलोंग, अलोंग, अलोंग का मतलब के साथ, के साथ। जैसे एक चीज क्या है, रॉड, और उसके साथ एक क्या, फुटपाथ बना हुआ है, तो क्या है ये, क्या है, बंदा किस पे, फुटपाथ पे जा रहा है, यानी कि किसके, रॉड के अलोंग जा रहा है। अलोंग का मतलब के साथ साथ, के साथ साथ। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद आता है अक्रोस, अक्रोस का मीनिंग है फ्रेंड्स, यहाँ पे अक्रोस का मतलब क्या था कि पार करके, पार करके, ठीक है, यानी कि मैं को अगर मेरा घर क्या है, नदी पार करके मेरा घर है, तो क्या, आई लिव अक्रॉस द रिवर, यानी कि मेरा घर कहाँ पे, मैं कहाँ पे रहती हूँ, उसके नदी पार करके। तो अक्रॉस का मतलब क्या होगा, वहां पे यूज किया जाएगा जहां पे पार करके का मीनिंग है फ्रेंड्स। उसके बाद नेक्स्ट आपका आ जाए अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, पता ही चल गया होगा, अप का मतलब जब क्या कोई चीज ऊंची जाए, यानी कि जब कोई भी, कोई ना कोई उसकी सीमा के फ्रेंड, जैसे कि क्या रेट क्या है, बढ़ रही है, ओके, तो हम क्या कहेंगे, किसका, यानी कि वो अपनी सीमा को पार कर रहे हैं, तो क्या होगा, अप, अगर गिर रही है तो क्या होगा, डाउन। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल क्लिम अप द ट्री, यानी कि किसपे, पेड़ पर चढ़ो, यानी कि वो क्या है, पेड़ की क्या है, सीमा, यानी कि ऊपर तक जाओ, तो क्या होगा, सीमा। जहां पर भी क्या हो, किसी ने किसी की सीमा को क्रॉस किया है, तो वहां पे अप या फिर डाउन, डाउन नीचे गिरेगी और अप ऊपर गिरेगी। तो फ्रेंड्स, डाउन आपका क्या है, जब कोई सीमा से नीचे गिरे और अप जब ऊपर हो। ओके, नेक्स्ट आपका वर्ड आता है ऑन और अपॉन। फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑन, ऑन का मतलब क्या था, किसी, अब आपने वो घर देखा तो उसके ऊपर कोई वस्तु रखे तो क्या होगा, ऑन। अगर कोई बुक है टेबल पर रखी तो क्या कहोगे, बुक ऑन द टेबल। तो यहाँ पे ऑन का मतलब क्या था, पर। अपॉन का मतलब भी पर होता है, किसी वस्तु के ऊपर, लेकिन ऑन और अपॉन में डिफरेंस ये है कि ये क्या है, जब किसी ने किसी गति में हो, यानी कि कोई मूवमेंट कर रहा हो, तब किसका, अपॉन का यूज करेंगे। ओके, जैसे कैट स्प्रिंग ऑन द रैट, यानी कि कैट क्या है, चूहे पर झपा पड़ती है, तो वो कैट क्या है, एक किस पे है, मूवमेंट में है, गति में है, तो किसका, अपॉन का यूज करेंगे, ना कि ऑन का। अगर कोई स्टैटिक चीज है तो ऑन का, अगर कोई मूवमेंट में वस्तु है तो क्या कहेंगे, अपॉन का प्रयोग करेंगे। ओके फ्रेंड्स, इसी तरह से आपने इन भी पढ़ लिया था, इन स्टैटिक चीज के लिए, और इनटू क्या है, मूवमेंट यानी कि गति वाली वस्तु के लिए प्रयोग किया जाएगा। ओके, जैसे ही जंप इनटू द वाटर या इनटू द रिवर, मतलब वो क्या है, जंप करता है किसमें, रिवर में, तो वो क्या है, गति में है, मूवमेंट कर रहा है, तो किसका, इनटू का प्रयोग किया जाएगा। ओके, इनका किसी स्टैटिक वस्तु के लिए प्रयोग किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट आपका वर्ड आता है विद, विद और विदाउट, विद और विदाउट। ओके, विद, विद का मतलब होता है के साथ, के साथ, के साथ। अब एक बूढ़ा व्यक्ति है तो वो क्या करेगा, किसी ना किसी के स्टिक के सहारे चलेगा, है ना, और जो नौजवान व्यक्ति है वो विदाउट स्टिक के, बिना स्टिक के चल सकता है। तो विद का मतलब किसी के साथ और विदाउट का मतलब बिना किसी के। ओके, नेक्स्ट देखिएगा वर्ड है, लेट्स कर दूं मैं इसको फ्रेंड्स। आज का नेक्स्ट वर्ड देखिएगा, नेक्स्ट वर्ड है बिसाइड्स। बिसाइड का मतलब होता है साइड में। ओके, फॉर एग्जांपल कि वो आकर मेरे साइड में बैठ गई, ठीक है, तो क्या कहोगे, शी सैट बिसाइड मी। ओके, यानी कि बिसाइड का मतलब होता है कि साइड में, किसी के साइड में, और बिसाइड्स इसका सेम मीनिंग का वर्ड है बिसाइड्स, बिसाइड्स।
इसका मीनिंग अलग रहता है, इसका मीनिंग होता है फ्रेंड्स ये आपका काफी बार एग्जाम में रिपीट होता है, एग्जाम में आपको इस तरह से क्वेश्चन दे दिया जाता है। बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा, के अलावा, ओके। बिसाइड का मतलब होता है कि साइड में, यानी कि लड़का बैठा था किसी ना किसी टेबल पर, ओके, तो वहां पे क्या होगी, लड़की आकर बैठ गई, तो शी सैट बिसाइड मी, उसकी साइड में आकर बैठ गई। और बिसाइड्स की बात करूं तो के अलावा, के अलावा यानी कि एक फैमिली है तो एक व्यक्ति के अलावा सपोज कीजिए सारे हैप्पी हैं, तो हम इस तरह से कह सकते हैं बिसाइड्स हिज सिस्टर या कोई भी व्यक्ति लगा लो, बिसाइड हिम एवरीवन इज हैप्पी, यानी कि कोई भी फैमिली इस तरह से सारे क्या कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, स्माइल के साथ एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन ये क्या है, एकदम सैड होके खड़े हैं, ठीक है। तो क्या बिसाइड्स का मतलब के अलावा, ओके फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी काफी बार रिपीट होता है। नेक्स्ट आपका वर्ड रहेगा बिटवीन, काफी बार सुना है बिटवीन, बिटवीन, बिटवीन का प्रयोग हम कब करते हैं, दो व्यक्तियों के बीच ही अगर बात हो तो हम बिटवीन का प्रयोग करते हैं, ओके फ्रेंड्स, दो व्यक्तियों के बीच में, व्यक्ति भी हो सकते हैं, वस्तु भी हो सकती है, कोई भी, यानी कि दो होनी चाहिए, ओके, तब हम किसका बिटवीन का प्रयोग करेंगे, ओके। फॉर बिटवीन दो व्यक्तियों के बीच की बात कर रहे हैं, यानी कि दो व्यक्ति हैं राम और श्याम, ढिसुम ढिसुम एक दूसरे को पंच कर रहे हैं, तो क्या हम कहेंगे फाइट बिटवीन द राम एंड श्याम, अगर दो से ज्यादा व्यक्तियों के बीच में है तो हम कहेंगे फाइट बिटवीन अमंगस्ट द राम श्याम एंड राहुल, ओके, कोई भी आप वर्ड्स यूज कर सकते हो, यानी कि अगर ज्यादा के बीच में होगी तो अमंग, दो से अधिक के बीच में की बात की जाएगी तो किसका अमंग का प्रयोग करेंगे, अगर दो से अधिक व्यक्ति के बीच की बात की जा रही है तो किसका अमंग का प्रयोग करेंगे, ओके फ्रेंड्स। तो इस तरह से कोई और भी एग्जांपल ले सकते हो, ए हिज देयर इज बिटवीन 20 and 30, द टाइम्स बिटवीन द 20 and 30, कुछ भी आप एग्जांपल ले सकते हो, दो चीजों की बात हो रही है तो बिटवीन, अगर दो से अधिक चीजों के बारे में बात हो रही है तो क्या होगा, अमंग का प्रयोग करोगे, दो से अधिक, ओके, तब इसका अमन का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट आपका वर्ड फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा अबाउट, इससे पहले मैं आपको ये बोला था, पहले मैंने कहा था बिटवीन और अमंग, बिटवीन दो व्यक्तियों के लिए, दो वस्तुओं के बीच की बात की जाए तो बिटवीन का प्रयोग होगा, अगर दो से ज्यादा तेर वस्तुओं की बात की जाए तो इसका अमंग का प्रयोग होगा। एक और वर्ड आ रहा था अमंग के साथ, आ रहा था अमंगस, एक अमंग है दूसरा है अमंगस्ट, अमंगस्ट फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, अमंग, अमंग का प्रयोग कब किया जाएगा, दोनों ही एक ही कंडीशन में है, यानी कि जब दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु के बीच की बात की जाए तब किसके अमंग या अमंगस्ट का प्रयोग किया जाएगा। अब अमंग का कहा किया जाएगा और अमंगस्ट का कहा किया जाएगा, ये देखिएगा, अमंग का प्रयोग जब क्या आ जाए, कोई भी वर्ड्स यानी कि आपका जो ब्लैंक होगा, फिलिंग ब्लैंक होगा, उससे पहले बाद का जो वर्ड होगा अगर उसका फर्स्ट अल्फाबेट अगर होगा कंसोनेंट, यानी कि व्यंजन होगा, कंसोनेंट होगा तो किसका व्यंजन, यानी कि इंग्लिश की बात करें कंसोनेंट होगा तो क्या अमंग का प्रयोग करोगे, अगर वोवल होगा तो, अगर वोवल होगा तब हम किसका अमंगस का प्रयोग करेंगे, ओके फ्रेंड्स। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपका फिलिंग द ब्लैंक्स में वोवल कौन कौन से है, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, सो यहाँ पे अगर कोई भी ब्लैंक्स जो भी ब्लैंक आएगा अगर उसका जो उसके बाद का जो पहला वर्ड होगा अगर उसका पहला अल्फाबेट ए ई आई ओ या यू हुआ तो किसका अमंगस का प्रयोग करेंगे, ओके फ्रेंड्स। फॉर एग्जाम्पल देयर इज नो एनिमिटी
अमंग अस अस आ गया, तो अस में किसका यू आया है, तो इससे पहले आपका फिलिंग का ब्लैंक्स आता है, तो यहाँ पे नेक्स्ट वर्ड क्या आता है, यू, यू से स्टार्ट हो रहा है तो किसका अमंग अस का प्रयोग करोगे। ओके सर, इसके एग्जाम्पल देखेंगे। दिस प्रॉपर्टी इज डिवाइडेड डैश फोर ब्रदर्स, दिस प्रॉपर्टी इज डिवाइडेड डैश फोर ब्रदर्स। अभी यहां पर देखिएगा बिटवीन के लिए लेते, यहां पर किसका प्रयोग होगा, बिटवीन का, अमंग का या अमंगस का। यहां पर देखिएगा बिटवीन, यहां पे देखिए फोर आ गया, फोर यानी कि दो से देखोगे तो बिटवीन तो कैंसिल, आपका बिटवीन तो हो ही नहीं सकता। अभी या तो अमंग का प्रयोग हो या अमंगस का। अभी यहां पर देखिएगा ब्लैंक के जो बात का जो वर्ड है उसका पहला अल्फाबेट क्या है, एफ, एफ कोई वोवल तो नहीं है, एफ क्या है, कंसोनेंट है। हमने वोवल कौन कौन से देखे हैं, ए, ई, आई, ओ और यू। ओके, इनके अलावा कुछ भी आ जाए तो वो क्या कंसोनेंट होगा, तो किसका प्रयोग किया जाएगा फ्रेंड्स, अमंग का। ओके, तो इसी तरह से अमंग अस का भी आप एग्जांपल ले सकते हैं। ओके, देयर इज नो, ये ले सकते हैं एग्जांपल, देयर इज नो चीटर, देयर इज नो चीटर डैश अस। ओके, देयर इज नॉट चीटर डैश अस, हमारे बीच में यहां पर कोई चीटर नहीं है। तो यहां पे देखिएगा क्या प्रयोग हुआ, यू आया है, यू यानी कि क्या है, एक वोवल है, तो किसका प्रयोग होगा, अमंगस्ट, ये आपका अमंगस्ट आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, छोटा सा डिफरेंस है बस, याद रखिएगा एक छोटी सी मोटी मोटी बात याद रखो, अगर वोवल आ रहा है तो किसका अमंगस्ट का प्रयोग करोगे, अगर कंसोनेंट आ रहा है तो अमंग का प्रयोग करोगे। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट वर्ड है हमारा अबाउट, अबाउट कर लेते हैं, अबाउट का मतलब होता है के बारे में, के बारे में। ओके, किसी चीज के बारे में, दो मीनिंग बनते हैं अबाउट, किसी के बारे में या लगभग, अबाउट हम लगभग भी कह लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आपको सेंस देखनी होगी सेंटेंस की, किसमें के बारे में, किस सेंस में है या लगभग के बारे में। जैसे आई नो अबाउट दिस इवेंट, कि मैं इस इवेंट के बारे में जानता था, तो इसमें किस चीज के सेंस का प्रयोग हो रहा है, अबाउट के बारे में। या मैं लगभग की बात करूं, देयर इज अबाउट हाफ एन आवर, लगभग आधा घंटा हो गया है, तो यहाँ पे आपको सेंस देखने होगी कि अबाउट के दो मीनिंग होते के बारे में और लगभग, सेंस के अकॉर्डिंग आपको ये यहाँ पे डालना है अबाउट। ओके फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपको वर्ड आता है ऑफ, ओ डबल एफ, ऑफ, ऑफ का मतलब क्या है, किसी चीज को सेपरेट करना, अलग ऑफ करना, अलग ऑफ। जैसे स्विच ऑफ द फैन, यानी कि किसमें क्या है, अलग ऑफ के भावना। ओके, सो या फिर हम कहते हैं कि हम उसको सी ऑफ करने के लिए गए, यानी तो जहां पे अलग ऑफ के भाव हो तो किसका, ऑफ का प्रयोग किया जाएगा, यानी कि सेपरेट, सेपरेशन का, सेपरेट होने का हो तो वहां पे किसका, ऑफ का प्रयोग किया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट आपका था अबव, ये आप कर ही चुके हो, और बिलो, अबव, अबव आप कर ही चुके हो, क्या जब क्या हो, कोई सीमा, यानी कि किसी ना किसी सीमा, या मैं कहूँ लेवल से ऊपर की बात हो, जहां पर लेवल की बात की जाए तो वहां पे अबव और बिलो का प्रयोग किया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, फॉर एग्जाम्पल हिज इनकम इज बिलो या अबव 30,000 ए मंथ, एक मंथ में उसकी कितनी है, यानी कि वहां पे किसी चीज का क्या लेवल बताया गया, तो किसका प्रयोग करोगे, अबव या बिलो का। अगर ऊपर की ज्यादा की बात की जाएगी तो किसका, अबव का प्रयोग होगा, अगर कम की बात की जाएगी किसकी, बिलो का प्रयोग होगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट आपका वर्ड आता है